उत्तराखंड में परिवहन विभाग के अधिकारियों के तबादलों में धांधली की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है और इसके विरोध का प्रमुख कारण है खानपुर विधायक उमेश शर्मा, जिन्होंने राज्य सरकार के विरुद्ध इसे लेकर बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप मढ़ते हुए कहा है कि मंत्रियों को कई अधिकार होते हैं, लेकिन परिवहन विभाग में हुई धांधली को लेकर विभागीय सचिव द्वारा जिस प्रकार लिखित करार दिया गया है वह नियोचित कतई नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मलाईदार विभागों में अपने चहेतों की नियुक्ति तक की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा बिना कैबिनेट के विचलन प्रावधान की आड़ में अपना हित तक साधा गया है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा विचलन का प्रयोग अधिकार मात्र आपदा विपदा के दौरान किया जाता है। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। देखिए, मंत्री को अधिकार तो उनके विभाग में सभी होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब आपके सचिव द्वारा साफ साफ लिखा गया है कि ये न्यायोचित नहीं है, ये ठीक कार्य नहीं है, इस कार्य को नहीं किया जा सकता, तो आप उनके आदेश को टर्न डाउन करके नियुक्तियां करते हैं। मलाईदार विभागों में आप अपने चहेतों को बिठाते हैं, आप एक प्रकार के विचलन का प्रयोग करते हैं। विचलन क्या होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विचलन का अधिकार होता है, कैबिनेट को बिना बुलाए मुख्यमंत्री कोई भी निर्णय विचलन से ले सकते हैं, लेकिन विचलन को लेने का अधिकार आपदा की स्थिति में ही होता है। किसी को लाभ पहुंचाने के लिए विचलन का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर कोई बड़ी दैवीय आपदा आ गई या कोई बड़ी घटना हो गई जिस समय कैबिनेट को नहीं बुलाया जा सकता, उस समय विचलन का, लेकिन उत्तराखंड में विचलन का उपयोग भूमाफियाओं को, बिल्डर्स को, खनन माफियाओं को, डकैतों को, चोरों को, जो लोग इस राज्य को लूट के खा गए, उन्हें पहुंचाने के लिए किया जाता है। आज से नहीं, ये नरेंद्र तिवारी जी के समय से चला आ रहा है। तिवारी जी ने विचलन का उपयोग करके वेटलैंड कितने नेताओं को आवंटित कर दी थी, जिसके संबंध में हमने याचिका भी दाखिल की थी। तो ये विचलन का उपयोग ही कह सकते हैं, इसको विचलन नहीं कहेंगे क्योंकि विचलन अलग चीज है, लेकिन ये एक प्रकार का विचलन है कि आप अपने अधिकारियों के आदेश को, अपने सचिवों के जो टीपे और आख्याएं हैं उनको नजरअंदाज करते हुए मलाईदार पदों पर आरटीओ देहरादून, आरटीओ इधर उधर, जहां आप लगाना चाहते हैं आप लगा देते हैं। और लोगों के ये आरोप हैं, जिन लोगों ने इसमें जांच पड़ताल की है, कि साहब बड़ा मामला है और इस ये सब जो है भ्रष्टाचार है, क्योंकि शिष्टाचार ये हो नहीं सकता। शिष्टाचार में कोई व्यक्ति अपने अधिकारियों के आदेश को टर्न डाउन नहीं करता। तो लगातार जो जीरो टॉलरेंस का नारा दिया जाता है विभागों में, अब मंत्री अगर अपने विभाग में इस तरीके के कार्य करेंगे तो बड़ा दुखद है और उत्तराखंड के राज्य की जनता के साथ छल है। इन लोगों को सबक लेना चाहिए, वरना इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।